Assalamualaikum, welcome again to all my viewers who are really really interested in watching my videos based on academic section, that is about visa and application processes and complete guidelines to the study in Germany for master's students from Pakistan. So as I have made some videos before related to that processes, and if you haven't seen them yet, then just go to my channel, click on playlist where you get a folder named with guidelines for international students. So watch those video for your clarity. और मैं आपको ये चीज़ इसलिए mention करती हूँ playlist की कि अगर आपने visa and application processes जो कि जर्मनी से related है अभी तक videos previous नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिए ताकि आपको step by step हर एक चीज़ बिल्कुल clear हो. आज का जो मेरा topic है that is about verification of all academic documents. ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आपका जो है वो टाइम सेविंग हो, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो अवॉइड हो. वो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो आपका टाइम वेस्ट होता है. तो एक सीक्वेंस है डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने के लिए भी, तो उस सीक्वेंस को फॉलो करें ताकि आपका टाइम मनी सब जो है वो सेफ हो. तो चलते हैं हम प्रोसेस की तरफ. So basically there are five steps of verification of all academic documents, and the first one is verification of transcript and degree from university. Yes, जैसे कि मैंने आपको अपनी previous videos में बताया था कि Germany में masters की requirement होती है कि they are demanding 4 years of bachelor's. अगर तो आपका bachelor 4 years का नहीं है, 2 years का आपका bachelor है और 2 years का आपका master है, तो आपका जो है उन दोनों universities की जो degree and transcripts हैं उनको आपने अपनी कंसर्न यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवाना है. उसकी जो डॉक्यूमेंट्स की बैक साइड है वो अटेस्ट होगी, एंड ऑफन यू विल बी चार्ज्ड फी. आई एम नॉट श्योर, बट आप जो है अपने डिपार्टमेंट जो भी है यूनिवर्सिटी, जो कंसर्न यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने वो डिग्रीज की है उनसे पूछना है और उनकी बैक साइड आपने अटेस्ट करवानी है. So the second step is verification of high school and college certificate. In order to verify your documents from IBCC, Interboard Committee of Chairman, first you have to verify your documents from your board. Yes, आपको जो है वो भी अपना concern board है. If you are living in Islamabad, तो आपका जो है वो IBCC concern board आपको search करना पड़ेगा. If you are living in Peshawar, then आपका BISC Peshawar है. Otherwise जो भी concern board है आपको search करना पड़ेगा और वहाँ से आपको अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं ओरिजिनल और जो TMCs मार्कशीट्स होती हैं उनको आपको अटेस्ट करवाना है. उनको अटेस्ट करवाने के लिए एक डॉक्यूमेंट की सीक्वेंस है जो कि आपको साथ लेके जानी है. यू हैव टू मेक श्योर कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों. वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ. मैट्रिक सर्टिफिकेट ओरिजिनल आपको चाहिए. आपका जो इंटर का सर्टिफिकेट ओरिजिनल वो होना चाहिए. 2 फोटोकॉपीज आपको मैट्रिक की चाहिए और 2 फोटोकॉपीज आपको इंटर की चाहिए. और फॉर्म्स आपको काउंटर से मिलेगा, वो फॉर्म आपने फिल करना है. इसके अलावा पेमेंट ड्यूज़ हैं. पेमेंट ड्यूज़ आई डोंट नो, पेमेंट्स वेरी करती हैं प्लेस टू प्लेस. आप जब वहाँ विजिट करेंगे तो पेमेंट्स की डिटेल वहाँ से आपको मिल जाएंगी. बट ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी, मेरी वीडियो है जो यूनिवर्सिटी सर्च करने की, मैंने आपको पहले बोला था आपने जब यूनिवर्सिटी सर्च करनी है, जिस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड से मैच करती है और हर एक की रिक्वायरमेंट्स आपने दिख देनी है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं. तो कुछ यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट होती है कि वो मार्कशीट भी डिमांड करती हैं आपकी ग्रेडिंग देखने के लिए ईच सब्जेक्ट में. बट कुछ यूनिवर्सिटीज जो सर्टिफिकेट करती हैं, तो इसलिए कॉस्ट वेरी करती है कि आप मार्कशीट्स भी करवा रहे हैं अटेस्ट या सर्टिफिकेट जस्ट करवा रहे हैं. एनीवे आपको जो है वो सीक्वेंस जो मैंने आपको पहले बताया है वो सब डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं. देन आपने जो है IBCC, हाँ, जब वो आपको इनवेलप में डाल के अटेस्ट कर दे के दे देंगे तो आपने वो इनवेलप ओपन नहीं करना. वो जब आप अटेस्टेशन कराएंगे IBCC से तो वही जो है वो ओपन करेंगे जी. तो जब आपके अटेस्ट हो जाएंगे कंसर्न्ड जो भी आपका बोर्ड होगा वहाँ से आपका मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट, तो फिर आपने IBCC से ओरिजिनल अपना मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट वेरीफाई करवाना है, टेस्ट करवाना है. इसके लिए आपको जो कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे. नंबर वन, जो प्लास्टिक कोटिंग आपकी सर्टिफिकेट की है उनको आपने रिमूव करना है. अगर आप इसी तरीके से सेंड कर देंगे तो वो अटेस्ट नहीं करेंगे. द सेकेंड थिंग जो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया कि कंसर्न बोर्ड जो इशूइंग अथॉरिटी है वहाँ से अटेस्ट होने चाहिए. देन आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स एक फॉर्म मिलेगा
आईबीसी से फॉर्म और टेस्ट, अपने सर्टिफिकेट टेस्ट करने के लिए वो फॉर्म आपने लेना, फॉर्म को फिल करना है। इसके अलावा अगर आप खुद नहीं है तो आपको ब्लड रिलेशन, आपके पेरेंट्स या सिबलिंग होने चाहिए। एंड देन आपको फी, मेरे टाइम पे जो है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट की आई वॉज पेड 400 फॉर ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड 200 फॉर द कॉपी। अब आपने जितनी कॉपीज करवानी है टेस्ट, ये आप पे डिपेंड करता है। एनी वे यूनि असिस्ट के थ्रू आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक सेट ही भिजवाना, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल होगी यूनि असिस्ट के थ्रू जो भी अकाउंट क्रिएट करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो अभी टू द पॉइंट बात करूँगी जी। डिटेल लिस्ट ऑफ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आईबीसी से अटेस्टेशन के लिए वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा यू हैव टू मेक श्योर कि आपने विद इन 7 days जो है अपना डॉक्यूमेंट रिसीव करने हैं, कलेक्ट करने हैं, बिकॉज आईबीसीसी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिसप्लेसमेंट। कोई भी मिसप्लेसमेंट होता है तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो आपको टाइमली जो है इसको पिक करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को जी। तो फोर्थ स्टेप है, जब आपका ओरिजिनल आईबीसीसी से जब अटेस्ट हो जाएगा ओरिजिनल मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट, तो आपको फिर अपनी बैचलर की या फिर अपने जो भी 2 years का मैंने जैसे बताया है वो बैचलर्स है या मास्टर है पाकिस्तान का, 4 years की जो भी आपकी डिग्रीज हैं या ट्रांसक्रिप्ट हैं, आपने उनको अटेस्ट करवाना है। और ट्रांसक्रिप्ट लाजमी अटेस्ट करवानी है आपने जो आपकी बैचलर्स की डिग्री है। इसके लिए HSC के डिपार्टमेंट में विजिट करने से पहले आपने अपना ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है HSC पे। मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ पे आपने प्रॉपर एक अकाउंट क्रिएट करना है। और आपने एकेडमिक जो आपका एक एजुकेशन का टैब है वहाँ पर जाके आपने स्टार्ट यानी ओरिजिनल जो मैट्रिक सर्टिफिकेट है वहाँ से लेके स्टेप बाई स्टेप आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। ये प्रोसीजर जो है वो इसलिए क्रिएट किया गया कि एक तो आपकी टाइम सेविंग है और आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट भी उसी टाइम कैलकुलेट करके दे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो जो अटेस्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स करने हैं आपने वो अपलोड करने हैं, फिर ट्रांसक्रिप्ट, और इसके अलावा अगर आपने फोटो कॉपीज करनी है तो आपको वहाँ पर चेक करना पड़ता है कि इतने डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अटेस्ट करवाने हैं, तो वो कॉस्ट कैलकुलेट करके वहीं पर आपको बता देते हैं। और इसके अलावा टाइम एंड स्लॉट्स अवेलेबल हैं कि आप कब विजिट करना चाह रहे हैं वो भी अवेलेबल होती हैं, आप वो सिलेक्ट कर देते हैं और उस डेट एंड टाइम पे आप जो है वहाँ पे HSC पे विजिट करते हैं जी। तो HSC पे विजिट करते हुए जो रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट्स की वो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं और किस तरीके से, जो प्रोसीजर है वो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख लीजिए जी। तो ये प्रोसेस था, एक सीक्वेंस था जो मैंने आपको बता दिया है, डॉक्यूमेंट एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट कराने का तरीका। HSC से अटेस्ट करवाने के बाद आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो MOFA से अटेस्ट करवाने हैं जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। और इसके लिए आपको जो है वो पहले तो हम लोग खुद जाके अटेस्ट करवाते थे, बट अब चूँकि कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है तो हम TCS के थ्रू सेंड करते हैं MOFA को। आई थिंक सो विद इन 2 weeks वो टेस्ट करके आपके घर में वो भेज देते हैं। TCS में जाएंगे वो आपको एक फॉर्म प्रोवाइड करेंगे, वहाँ पे आपने फिलअप करने हैं कि आप क्या क्या चीज़ें उधर से अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं, और उन डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग और वेट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी फ़ी होगी आपने पे करनी है, और वो भी आपको एक रिसिप्ट प्रोवाइड कर देंगे। और देन आपको जो भी एड्रेस मेंशन किया होगा वहाँ पे वो आपको डिलीवर कर देंगे TCS के थ्रू ही। डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है वो मैं जो कुछ मैं बोल रही हूँ वो रिटर्न सब कुछ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर रही हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी भी हो जाए, डिस्क्रिप्शन रीड करें तो आपके पास एक प्रॉपर लिस्ट हो जी। तो ये अटेस्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जब आपके अटेस्ट होके डॉक्यूमेंट्स आपके घर में आ जाएंगे तो आपने जो एक और काम करना है आपने और इन सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपीज करने हैं जो अटेस्टेड हुए हुए हैं, और फिर उनको नोटराइज करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो है यूनि असिस्ट के थ्रू आपने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी में। तो आपने यूनि असिस्ट को जो है जो डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो नोटराइज्ड होने चाहिए। तो जो ओरिजिनल सर्टिफाइड आपके सर्टिफिकेट हैं उनकी फोटोकॉपीज करके आपको नोटराइज करवाने हैं, और वो ओरिजिनल स्टैम्प्ड वाले डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं यूनि असिस्ट को बाय पोस्ट जी। तो आज मेरी जो वीडियो है वो द एंड होती है। जो
ऑल प्रोसीजर था, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन से रिलेटेड, वो मैंने आपको कुछ तो वीडियो में वर्बली बता दिया। इसके अलावा रिटन फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप रीड करें। और फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो मेरा ईमेल एड्रेस भी मेंशन है, वहाँ पे भी आप क्यूरी कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट्स में भी आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी क्यूरी को ज़रूर आंसर करूँगी। जी तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपने अगर तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और सबके साथ। इसके अलावा कीप मी रिमेंबर इन योर प्रेयर्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।